बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करने के बाद काफी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं। मैंने बीएससी करी है तो मैं बोलूंगा बीएससी इज द बेटर ऑप्शन। जो लोग बीएससी करते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि यार इतना ज्यादा करियर स्कोप तो नहीं है, पर चलो कर लेते हैं कि सर विच वन इज द बेटर ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। ट्वेल्थ का एग्जाम जैसे स्टूडेंट पास होता है उसके बाद एक कन्फ्यूजन होता है कि सर मुझे बीएससी करनी चाहिए या मुझे बीटेक करना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक की तरफ अपना रुझान रखते हैं और जो लोग बीएससी करते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि यार इतना ज़्यादा करियर स्कोप तो नहीं है, पर चलो कर लेते हैं। अब घर वालों का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है या फिर कुछ न कुछ लाइक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स को बीएससी ऑप्ट करना होता है, वो बीटेक नहीं कर पाता है। इसमें से मैं भी एक एग्जाम्पल रहा हूँ, बट मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बीएससी में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं और बीएससी में जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है और किन एग्जाम के थ्रू आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। प्लस अगर बीटेक की बात करी जाए तो बीटेक अगर आप करना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग ब्रांचेस में करियर स्कोप्स क्या होते हैं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट अभी ट्वेल्थ के बाद अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जो कन्फ्यूजन होता है कि मुझे बीएससी करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अपने छोटे भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पेरेंट्स के लिए भी होता है और स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है कि सर विच वन इज द बेटर ऑप्शन। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीएससी करी है तो मैं बोलूंगा बीएससी इज द बेटर ऑप्शन देन बीटेक, ऐसा जरूरी नहीं है। बीटेक में भी बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करने के बाद काफी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है। तो दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे और आप बीएससी के बाद क्या क्या कर सकते हैं, बीटेक के बाद क्या क्या कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि इन दोनों कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या होता है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है। कुछ लोग इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड भी करते हैं तो वो 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी ऑनर्स में आजकल 4 साल के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर बात करी जाए बीटेक तो ये 4 ईयर की डिग्री कोर्स होता है जहाँ पर स्टूडेंट 4 साल में जो भी ब्रांच में अपना बीटेक करना चाहता है उसमें वो कर सकता है। सुन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नॉर्मली अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपका 55% ट्वेल्थ में है या इससे ऊपर है तो आप बीएससी में इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। पर हाँ, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पर मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। बात करी जाए बीटेक के लिए, आपका ट्वेल्थ में 60% से ऊपर होना चाहिए अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनका एलिजिबिलिटी रहता है कि आप 60% से ऊपर है तो हम आपको एडमिशन देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट में आप काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने IIT JEE एग्जाम दिया और आपका रैंक है और आप काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है। पर हाँ, मतलब 60% से ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट आगे नंबर ऑफ कोर्सेज। तो स्टूडेंट जो बीटेक की बात करी जाए तो बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस होती है लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज अभी आते जा रहे हैं। इसमें बीएससी में भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं अगर आप फिजिक्स के साथ करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उसके बाद आपका IT के साथ कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ऑप्शन होता है, स्टेटिस्टिक्स आपके पास ऑप्शन होता है, बायोटेक्नोलॉजी के साथ बीएससी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। पर हाँ, बीएससी में कोर्सेज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बीटेक, क्योंकि यहाँ पे बीएससी बीएड कोर्स भी है और उसके लिए अगर आपने देखा हो एक नया एग्जाम और इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ट्वेल्थ के बाद होता है। अगर आप बीएससी बीएड IIT या NIT से करना चाहते हैं, जो कि एग्जाम अभी जस्ट NTA ने कंडक्ट करवाया था, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया और वापस उसकी रिवाइज शेड्यूल आया। इसमें बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो इसमें बीएससी में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू बीटेक, क्योंकि बीटेक के अंदर आपको कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लैब्स भी होती है, प्लस आपकी कहीं ना कहीं जब प्लेसमेंट की बात करी जाए तो टेक्निकल स्किल की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कहीं भी फ्यूचर में अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होना चाहते हैं। बीएससी में इतना टफ नहीं होता है जितना बीटेक में होता है,
यहाँ पे बीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम से पहले, इवन बीटेक में भी ऐसे ही होता है, बच्चे आजकल क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले दो दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और एग्जाम पास होते हैं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं। बीएससी के अंदर भी टफ होता है, पर हाँ एज कम्पेयर टू अगर बीटेक की बात करी जाए तो बीएससी थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू बीटेक। पर हाँ अगर फ्यूचर में आप टारगेट कर रहे हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या मुझे लाइक आईआईटी से एमएससी करनी है या पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च डोमेन में जाना चाहते हैं तो बीएससी इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू बीटेक। यहाँ पे आपके पास काफी सारा समय मिलता है, आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी पैरेलल बीएससी के साथ साथ कर सकते हैं। पर स्टूडेंट बीटेक के साथ ये नहीं होता। हाँ अगर बाई चांस कोई ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप कर रहे हैं या कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जहाँ पर अभी बहुत कम पढ़ाई होती है, मैंने काफ़ी ऐसे कॉलेजेस देखे जहाँ पर बच्चा बीटेक में एडमिशन तो ले लेता है पर वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, तो स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता है, बाकी खुद ही अपने हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी उनको अगर बाई चांस कॉलेज में 75% अटेंडेंस का लफड़ा नहीं है तो आपके पास यहाँ भी काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने पर। हाँ अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कहने के अटेंडेंस प्रॉपर रखनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पे एटलास्ट आपकी टेक्निकल स्किल जो होती है वो काम करती है जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अपने इंटरव्यू को देने जा रहे हैं या आप प्लेसमेंट चाहते हैं, राइट। पर बीएससी में नॉर्मली प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे एक प्लान डिग्री होती है, यहाँ पे टेक्निकल स्किल इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। पर जो भी स्टूडेंट बीएससी करना चाहते हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बीएससी के साथ साथ अपने टेक्निकल स्किल पे भी काम करना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बीएससी करने के बाद आईआईटी से एमएससी भी कर ली या अच्छी जगह से एमएससी कर ली, उनको कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता है, पीपीटीज बनाना नहीं आता है, ईमेल्स प्रॉपर तरीके से लिखना नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि बच्चों में कमियां नजर आती है। पर प्रोफेशनल कोर्स जो बच्चा बीटेक कर रहा होता है वो इन चीजों में थोड़ा सा एक्सपर्ट होता है एज कम्पेयर टू बीएससी, है ना। आपको ये लगेगा कि नहीं सर मैंने भी बीएससी कर रखी, मुझे भी सब कुछ आता है, मैं यहाँ पे इन जनरल बात कर रहा हूँ। सुन बात करते हैं कोर्स टाइप के बारे में। तो जो बीएससी कोर्स होता है वो स्टडी ओरिएंटेड कोर्स होता है और जो बीटेक होता है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है, राइट। नॉर्मली बीएससी वाला जो बच्चा होता है वो फर्दर स्टडी में जाता है या तो अपना एमएससी करता है, नेट करके बाद पीएचडी करता है या फिर बीएड करता है या कुछ न कुछ लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है। बट यहाँ पे नॉर्मली जो बच्चा बीटेक कर रहा होता है उसका एक ही फोकस होता है कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, मैं किसी न किसी कंपनी में जाके अपना जॉब करना चाहता हूँ, तो वो इस पर फोकस करता है। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। सुन बात कही जाए फीस स्ट्रक्चर की, कितना फीस रहता है। तो सुन बीएससी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हो तो बहुत नॉमिनल फीस में आपकी बीएससी हो जाती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो तो 30,000 से 35,000 के अंदर आपका बीएससी ईयरली फीस होती है। अगर आप बीटेक की बात कर रहे हैं, बीटेक की जो फीस होती है वो नॉर्मल कॉलेज में 70,000 से 80,000 होती है और लगभग 3 से 4 लाख तक जाती है, कहीं कहीं तो 6 लाख भी हो जाती है। अगर आप किसी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पे फीस 6 लाख तक भी होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में विजिट भी किया है जहाँ पर काफ़ी अच्छी फीस है। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ कि बेटा आपकी कितनी फीस है तो हॉस्टल की फीस और कॉलेज की फीस मिला के लगभग 3 से 4 लाख या 5 लाख हो जाती है। वैसे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप जहां से भी बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं प्लीज अपनी फीस जरूर मेंशन कर दीजिएगा विद कॉलेज, सो दैट जो भी स्टूडेंट यहां पे 12th में वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा सा आइडिया ले सके कि किस कॉलेज की कितनी कितनी यहाँ पे फीसेस होती है, राइट। बाकी एक्स्ट्रा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका कोर्स का अलग से फीस आपको पे तो करना ही होता है। सुन बात करी जाए एग्जाम्स के बारे में, तो बीएससी अगर आप करना चाह रहे हैं तो सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं, बीएचयूटी एग्जाम आप दे सकते हैं, आइजर का एग्जाम होता है, एनपेट होता है, कैसेट एग्जाम होता है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। बाकी स्टेट लेवल पे अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो आप देख के आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आईआईटी चाहिए, जैसे वीआईटी वेलोर अपना खुद का एग्जाम कराता है, एसआरएम कराता है, बिटसेट कराता है, एमईटी एमएससेट एग्जाम है, और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम अपने हिसाब से कंडक्ट करा के आपको एडमिशन देती है। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बाकी स्टेट लेवल पे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो आईआईटी जेई के जो स्कोर होते हैं उसकी काउंसलिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। अगर आपने ये एग्जाम नहीं भी दिए हैं तो भी आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू आप ये डिग्री कर सकते हैं। अब सुन यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर मैं बीएससी करूं कि बीटेक करूं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो यार मेरे को क्या कोर्स करना चाहिए। तो सुन जो बीएससी करना चाहता है उसके लिए कि पर्सन हु इज इनटू द नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ द साइंस, मोर ऑफ ए रिसर्चर, मतलब अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं, आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या आपको टीचिंग फील्ड अच्छा लगता है तो आपके लिए बीएससी इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द बीटेक। अ पर्सन हु इज इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द साइंस लाइक डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अगर आपको टेक्निकल फील्ड अच्छा लगता है आपको वो अट्रैक्ट करता है
तो मुझे लगता है बीटेक इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द बीएससी। एक और है कि कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि सर मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना है या मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, बीएससी इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द बीटेक। पर मैं दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे आप बीएससी कर लो चाहे आप बीटेक कर लो, कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको जॉब नहीं दिलाता है, वो आपके दम पे आता है, आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आप ये मत सोच लीजिए कि कॉलेज मुझे उस लायक बना देगा, उस काबिल बना देगा, क्योंकि हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपना एक करिकुलम होता है, उनके अपने तरीके होते हैं, पर कहने के उसके लिए आपको खुद को भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, आप फर्स्ट डे से ही इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज है या आपको लगता है कि सर मुझे आईआईटी से एमएससी करना है, तो आप आईआईटी जेएम एग्जाम पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं सर मैं आईआईटी जा तो नहीं पाया पर सर मैं आईआईटी से एमटेक करना चाहता हूं, तो आप गेट एग्जाम पे अपना फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को इन चीजों में नहीं जाना, मेरे को तो प्लेसमेंट पे काम करना है, आप उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लब्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एक्टिविटीज होती है, आप उस पे पार्टिसिपेट करते रहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भैया करना पड़ेगा। आप अगर बीएससी कर रहे हैं और आप फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कॉलेज लेवल पे जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसी से वो आता है। ये सब चीजों में आपको पार्टिसिपेट शुरू से करना चाहिए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। सुन करियर स्कोप की बात करी जाए तो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली उनकी जो सैलरी होती है वो 3-5 लाख स्टार्टिंग सैलरी होती है। एंड आप यहाँ पे एमएससी कर सकते हैं, फ्यूचर में एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेट प्रोग्राम एडमिशन ले सकते हैं। आप केट की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो बीएससी के बाद मेरे को आईआईएम से एमबीए करना है, तो आप केट की तैयारी कर सकते हैं अपने बीएससी के साथ साथ आईआईटी जेएम की तैयारी कर सकते हैं। सुन सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी स्टेट लेवल पीएससी की एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बैंक की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिनकी तैयारी आप बीएससी के साथ साथ कर सकते हैं। इसमें बात करी जाए बीटेक के लिए तो नॉर्मली जो बीटेक वाला बच्चा होता है उसकी 6-8 लाख स्टार्टिंग पैकेज होता है। स्टूडेंट अगर चाहता है तो गेट एग्जाम की तैयारी के बाद एमटेक कर सकता है आईआईटी से, एनआईटी से। आप एमबीए कर सकते हैं केट की तैयारी के साथ, आप बाहर जाके फॉरेन में एमएस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीटेक वाला जो स्टूडेंट होता है वो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकता है, पर हाँ बीएससी वालों के लिए थोड़ी सहूलियत होती है। यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस होता है क्योंकि उसको कॉलेज का भी कहीं ना कहीं देखना होता है, साथ में एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को चैलेंज मिलता है। एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो बीएससी वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए सबसे बेस्ट केयर ऑप्शन जो होता है वो टीचिंग होता है। टीचिंग ऐसा एवरग्रीन जॉब है जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। टीचिंग और डॉक्टर, ये दो जॉब ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम चलेंगे। और अगर आपकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं या आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं या फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं या जो भी सब्जेक्ट में आप बीएससी कर रहे हैं, आपका अगर सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप फ्यूचर में आईआईटी से एमएससी करने के बाद टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, बीएड करने के बाद जा सकते हैं, आप नेट क्वालिफाई करने के बाद टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शन आपके लिए बीएससी के बाद होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए जो कि बीटेक करने के बाद फिर एमएससी करते हैं और टीचिंग फील्ड में जाते हैं, और ऐसे काफी सारे बड़े बड़े नाम आपको नजर आ जाएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, वो बहुत बड़े एजुकेटर भी बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। वैसे करियर पाथ की बात करूँ तो बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या अच्छे टॉप स्कूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल होते हैं जो कि बहुत अच्छा पैकेज आपको देते हैं, तो ये अच्छा आपके लिए करियर पाथ है। आप चाहें कि नहीं सर मैं तो बीएससी के बाद आईआईटी से एमएससी करना चाहता हूं या एनआईटी से एमएससी करना चाह रहा हूं या अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहता हूं, तो सुनिए 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप नेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छी जगह से पीएचडी करने के लिए, तो ये भी एक करियर पाथ आपके लिए। आप चाहें तो एमएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एडमिशन ले सकते हैं। इसके बेनिफिट ये कि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी भी कर सकते हैं, आप टीजीडीपीजी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, तो काफी अच्छा आपके लिए यहाँ पे करियर पाथ होता है। अगर बात करी जाए बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो गेट एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। गेट एग्जाम के थ्रू पीएसयू में प्लेसमेंट्स होते हैं, आप एमबीए में जा सकते हैं, है ना, लाइक गेट एग्जाम है, जेट है, मेट है, जी मेट है, एनमेट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। स्टूडेंट इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल होता है। और अगर बात करी जाए पैकेज की, तो काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे मिलता है। इन द सेंस देखो, अल्टीमेटली पैकेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये सब कुछ आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं बोल दूँ कि 8-10 लाख या 20 लाख या 25 लाख भी मिल जाएगा, पर अगर आप में दम है तो वो मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेके
बैठ गए और आपको लगता है कि ये पैसा मुझे मिल जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कि IIT से करने के बाद भी इतना अच्छा पैकेज नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्मल कॉलेज से भी अपना BTech करे और बहुत अच्छा पैकेज ले रहे। दैट्स टोटल डिपेंड्स ऑन कि आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो और आप में क्या काबिलियत यहाँ पे। सिमिलरली टीचिंग फील्ड की बात करें, जो मैं BSc वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि यार नहीं, BSc कर लिया, MSc कर लिया, मैंने तो BEd भी कर रखा, सर मेरे को तो 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, 12,000 रुपये महीना मिल रहा है। तो इट्स टोटल डिपेंड्स कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज क्या है, आप कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। ऐसे लोग भी हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं टीचिंग फील्ड में, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम कमा रहे हैं। तो इट्स टोटल डिपेंड्स कि आपका काबिलियत क्या है और आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है और आपका विजन क्या है। वैसे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सर BSc के बाद मेरे फ्रेंड ने MSc करा, उसको भी BEd करने के बाद ये मिल रहा है सैलरी, या आपकी नज़र में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने BTech करा और अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है और उसका पैकेज क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का था कि जो भी स्टूडेंट 12th के बाद अपना करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं कि उसको BSc करना चाहिए या BTech करना चाहिए, तो यार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके प्रश्नों को आंसर देने की कोशिश करी है। दोनों ही कोर्स अपने आप में वैल्यू रखते हैं, या आपको डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है या फिर आपको स्टडी फील्ड में जाना है कि फ्यूचर में आप टीचिंग करना चाहते हैं या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि BSc में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। पर एट लास्ट आपसे यही कहूँगा मैं कि जो भी आप डिग्री यहाँ पे लें, आप पहले दिन से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। भारत में जॉब की कहीं कमी नहीं है, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, और आपको उसके लायक बनना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप CSIR NET GATE IIT JEE एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो मैथ केयर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। इसमें हमारे ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। BSc और BEd पे मैंने और भी वीडियोस बना रखे, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। यहां जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।